नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। नैनीताल और पिथौरागढ़ में बर्फबारी होने की संभावना। उत्तराखंड में बीते 2-3 दिनों से मौसम साफ रहने की वजह से लोगों में राहत थी, लेकिन आज फिर मौसम विभाग ने राज्य के नैनीताल व पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बारिश व बर्फबारी होने की संभावना जताई है, जिससे आज फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कुहासा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मसूरी में आज अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड में मतदान। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। इस बार कुल 629 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 82,66,644 मतदाता करेंगे। यूपी और गोवा में मतदान। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवारों का होगा फैसला। वहीं गोवा की 40 सीटों पर 301 उम्मीदवारों के भविष्य ईवीएम में कैद होंगे। खटीमा में सीएम धामी डालेंगे वोट। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में नगरा तराई गांव स्थित प्राइमरी स्कूल के मतदान केंद्र में सुबह 8:30 बजे वोट डालेंगे। हरीश रावत अल्मोड़ा करेंगे मतदान। कांग्रेस नेता हरीश रावत अल्मोड़ा मोहनरी में मतदान करेंगे। वहीं कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में मतदान करेंगे। दिग्गज डालेंगे वोट। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 8:30 बजे डिफेंस कॉलोनी के DAV पब्लिक स्कूल में वोट डालेंगे। वहीं पौड़ी में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कोट ब्लॉक के नकोट गांव में सुबह 11 बजे मतदान करेंगे। वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत सुबह 10:30 बजे मतदान करेंगे। जालंधर में पीएम मोदी की जनसभा। 14 फरवरी को पीएम मोदी जालंधर के PAP मैदान में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली करेंगे। झांसी ललितपुर में सभा करेंगे अमित शाह। 20 फरवरी को होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज झांसी और ललितपुर में जनसभाएं करेंगे। नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले। दिल्ली में आज से नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चे भी ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल आ सकेंगे। इस दौरान स्कूलों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल इस शर्त पर खोले जा रहे हैं कि वहां के सभी टीचर्स और स्टाफ वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ट्रेन में मिलेगा खाना। भारतीय रेलवे में खाने को लेकर परेशान यात्रियों को ध्यान में रखते हुए आज से सभी ट्रेनों में IRCTC खाना परोसेगी। देश भर में कोरोना लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ IRCTC ट्रेनों में पके हुए भोजन की सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तीर्थ यात्रा योजना। कोरोना के कारण रोकी गई दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना आज से फिर बहाल हो रही है। ये ट्रेनें 1000 बुजुर्गों को लेकर गुजरात के द्वारका धीज जाएगी। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। 24 घंटे में मिले 286 नए कोरोना पॉजिटिव, 6 मरीजों की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर 6 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा प्रदेश में 286 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वही 580 मरीज ठीक भी हुए हैं। भरत चौधरी ने निर्वाचन आयोग के नियमों को दिखाया ठेंगा, कल भी कई गाँवों में की जनसभाएं। चुनाव प्रचार थमने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने कल भी कई गांवों में जनसंपर्क और चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं भरत चौधरी की चुनावी जनसभा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। UKDA प्रत्याशी दिवाकर भट्ट का बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप, बोले बांट रहे साड़ी और मिठाई। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी दिवाकर भट्ट ने कांग्रेस और बीजेपी पर साड़ी और मिठाई बांटने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा कोई एक्शन नहीं लिए जाने की भी बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में डाला वोट, पहले मंदिर में की पूजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में वोट डाला है। सीएम ने वोट डालने के से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह वोट डालने गए। उनकी पत्नी भी साथ में वोटिंग की। उत्तराखंड के नए वोटरों में उत्साह, बढ़ चढ़कर कर रहे मतदान। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज जारी है। प्रदेश भर में जगह जगह वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कुमाऊं के हल्द्वानी में भी विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया जारी है। इस दौरान नए वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देवप्रयाग में विधायक विनोद कंडारी के परिजनों पर हमला, 3 घायल 3 गिरफ्तार। बीती देर रात देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के परिजनों पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें विधायक के भाई और 2 भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें बेस अस्पताल शिकोट में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने किया मतदान। सतपाल महाराज ने सेड़िया खाल में डाला वोट। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में मतदान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज सुबह अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। सतपाल महाराज ने भी वोट डाला। 50% बूथों की होगी वेबकास्टिंग, इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस तैनात। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होना है। ऐसे में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने कहा कि आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग तैयार है।
रुद्रप्रयाग निर्दलीय प्रत्याशी मातबर सिंह कंडारी पर हमला, शराब के नशे में की मारपीट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले रविवार देर रात रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में एक अनहोनी घटना सामने आई। इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने प्रदीप थपलियाल को टिकट दिया है, तो वहीं पूर्व काबीना मंत्री मातबर सिंह कंडारी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शनिवार को उक्रांद प्रत्याशी मोहित डिमरी पर आत्मघाती हमले के बाद रविवार देर रात पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी जब अपने कुछ साथियों के साथ सिद्धसौड़ जखोली से गुजर रहे थे, तभी कुछ उपद्रवियों ने शराब के नशे में उन पर हमला कर दिया। बसपा प्रत्याशी रविंद्र ने वायरल ऑडियो पर दी सफाई, कहा मेरे खिलाफ रची गई साजिश। मतदान से ठीक पहले खानपुर सीट से बसपा प्रत्याशी रविंद्र पनियाला का नाम लेकर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पनियाल के समर्थक गुर्जर समाज को एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। साथ ही इस ऑडियो में दलित समाज के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। वही वायरल ऑडियो मामले में रविंद्र पनियाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।